भोपाल के सिविल सर्विस क्लब में 200 बच्चों का बैच है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो कोई पीएससी की। कई उम्मीदवार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी सालों से कर रहे हैं। वाले द्वारा हाथ खड़ा करो। सब दे रहे हो ना? नहीं, इतना ही बस। अच्छा, अजहर तुमने क्या किया? करे भी तो क्या, कई सालों से पीएससी तक में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। 2-3-4 अच्छा, और मास्टर्स में भी क्या है भाई तुम्हारा? एनवायरमेंट साइंस। पीछे तुम्हारा एमए इकोनॉमिक्स। प्रवीण इंजीनियरिंग कर चुके हैं, 29 साल के हो गए हैं। सामने पटवारी की परीक्षा है, सो उसका भी फॉर्म भर दिया है। 4 साल में 31 वैकेंसी निकालने से अच्छा यदि वो इसी वैकेंसी को बीच में निकाल दे रहे 3-4 बार, तो बहुत सारे लोग जो ओवर एज हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती, वो भी तैयारी करते और उनको कहीं ना कहीं एक लाइफ में कुछ अचीव कर पाते वो भी। पटवारी के लिए योग्यता ग्रेजुएट है, लेकिन प्रवीण जैसे कई पढ़े लिखे बेरोजगार उम्मीदवार भी हैं। कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो पीजी करके भी पटवारी बनने की कतार में हैं। एज भी मतलब 2 साल वो हो गया मेरा, एमएससी हो गया तो। अच्छा। और मतलब अभी लग भी रहा है कि मतलब अभी जो भी वैकेंसी आए उसी में मतलब घर वाले भी कोई दबाव रहता है कि बहुत नौकरी कर रहा है। जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है हमारे देश में कि हमें ये लगता है, हमें यूथ में बेसिकली यही लगता है कि हम कहीं भी सेटल हो जाए, हमें एक जॉब मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। हाँ सर, थोड़ा घर से भी प्रेशराइज तो हैं और एज भी अभी इतनी हो चुकी है कि अपन को मतलब जॉब पे मतलब जॉब मिले और मतलब सेटल हो जाए हम। मध्य प्रदेश में 5 साल बाद 6,755 पटवारी के पदों के लिए वैकेंसी आई है। 12,79,000 आवेदन आ गए हैं। 4 लाख से ज्यादा आवेदक वो हैं जो न्यूनतम योग्यता यानी स्नातक से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पीएचडी धारी 1,000, इंजीनियरिंग के 85,000, एमबीए के 1 लाख और स्नातकोत्तर के 1,80,000 उम्मीदवारों ने पटवारी के लिए आवेदन भरा है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एमपीपीएससी में पिछले 3 साल से भर्ती कोर्ट कचहरी में खड़ी है। जिन लोगों ने 12-13-14 में तैयारी शुरू की थी, आखिरी अच्छी परीक्षाएं 17-18 में हुई हैं, तो थोड़े बहुत 17-18 में भी जो लोग सेलेक्ट हुए होंगे, पूरे मध्य प्रदेश में हो सकता है कि 1,000 लोग सेलेक्ट हुए हों। उसके बाद से जो लोग उस समय बच गए वो कोविड के टाइम तक ज़्यादातर हिम्मत हार के चले गए, पर ऐसे हैं जिनमें पेशेंस है या जिनके घर वाले अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग लगे हुए हैं। हर साल जब कॉलेज के एग्जाम खत्म होते हैं तो समझ लीजिए हर साल लगभग 1,00,000 बच्चे फिर से कॉम्पिटिशन की दुनिया में आ जाते हैं, तो लाखों बच्चे हर साल ऐड हो रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उतने ही बच्चे हर साल निराश होकर के वापस चले जा रहे हैं। अब ऑप्शन यहाँ प्राइवेट नौकरी का है नहीं है, तो सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हो सकता है कि लोग कोशिश करते रहें। सरकार से हजारों पद पर लाखों उम्मीदवार के सवाल पूछो तो अपने गुणगान करने लगती है, विपक्ष सवाल पूछता है। अलग अलग पद निकाले जा रहे हैं, शिक्षकों के हो, पुलिस के हो, पटवारी के हो, सभी विभागों के। एक तरफ शासकीय नौकरियों में भर्तियों के माध्यम से रोजगार, दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजनाओं में जिसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अनेकों योजनाएं हैं उसके अंतर्गत रोजगार, तीसरे निवेश लाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम, ये लगातार मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब एक पटवारी का एंट्रेंस का एग्जाम होता है, परीक्षा आयोजित की जा रही है, कुछ हजार वैकेंसी हैं, लेकिन लाखों की संख्या में लगभग 12-13 लाख लोगों ने अभ्यर्थी उसके लिए गए हैं परीक्षा देने के लिए। ये बताता है कि कितनी बड़ी परेशानी बेरोजगारी बन चुकी है और वो भी ओवर क्वालिफाइड लोग हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन उनके पास है लेकिन उनके पास कहीं रोज़गार नहीं है। इससे पहले ही मध्य प्रदेश में हमने देखा था ग्वालियर में, ग्वालियर शहर के अंदर जब एक चपरासी की वैकेंसीज निकाली गई थी अदालतों में और दूसरे कार्यालयों में, तो पीएचडी तक लोग जो थे वो आके उसका परीक्षा देने मजबूर हुए थे। तो ये दिखाता है कि शिवराज सरकार, बीजेपी की सरकार रोज़गार देने के मोर्चे पे पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। 2022 में मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 5,51,000 बेरोजगार बढ़ गए थे। 2020 तक रोजगार कार्यालय में 24,72,000 पंजीकृत बेरोजगार थे। 2021 तक ये तादाद 30,23,000 की हो गई थी। इस दफ्तर का निर्माण मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए हुआ था, लेकिन पिछले 10 सालों में सिर्फ इसका नाम बदला है व्यापम से
पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और अब कर्मचारी चयन मंडल। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की किस्मत नहीं और शायद इसलिए लगभग हर 70वां बेरोजगार पटवारी की परीक्षा में बैठ रहा है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और रुपेश के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।